अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, मैं सीरियस थी मगर डॉक्टर ने मुझे एडमिट नहीं किया। अचानक में मेरी बहन को उल्टियाँ चालू हो गई तो उनको एडमिट कर लिया। पता नहीं कुछ फूड पॉइजन जैसा हुआ था तो उनको एडमिट कर लिया। और उनको एडमिट होने के बाद में जुम्मा के रात को उनको एडमिट किया गया और 12 तारीख को उनको डिस्चार्ज मिला। तो ये VN देसाई हॉस्पिटल है, तो थोड़ा सा मैंने छूट लिया है। तो ये दरवाजे से घुसते ना, वहीं पे लेफ्ट साइड में लिफ्ट है, वो लिफ्ट सही है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो ये प्रेगनेंसी का ये है, फ्लोर है, यहाँ पे जो औरतें बैठी हैं तो जिनके बच्चे पैदा होने वाले, प्रेगनेंसी। सेकंड फ्लोर है ये, देखिए इसके जैसे ही मैं, ये सेकंड फ्लोर है, ये खोलूँगी, इसके सामने वर्जिश करते ना, इसका दरवाज़ा है। तो जिन लोगों को वर्जिश के लिए दिया जाता है तो ये रूम में आके बुक करते हैं। ये मुझे बोला लिफ्ट खुला ही रखना, मैं जा रहा हूँ, तो मैंने लिफ्ट खुला ही रखा। उसके बाद में यहाँ से जाएंगे तो VN देसाई सांता क्रूज ईस्ट में ये हॉस्पिटल है। इधर ICU जिधर ज़्यादा प्राइस में है तो ये हाफ चार्जेस लेते हैं लोग। तो ये देखिए यहाँ पे ही है ये, तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ICU में रहने के लिए, क्योंकि हाफ चार्जेस पे, ये प्राइवेट है, BNC नहीं है, मगर हाफ चार्ज लेते हैं। फिर वहाँ से जाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से आगे हम जाएंगे। तो ये है, इसके बाद में ये मैं आपको दिखाऊंगी, ऑपरेशन थिएटर भी है इधर, सेकंड फ्लोर पे ही ऑपरेशन थिएटर है। और यहाँ पे आपका जो जिसका भी ऑपरेशन जो भी है वो यहीं पे होता है। ये देखिए, ये किसी का होने वाला रहेगा, कोई आने वाला रहेगा, तो अभी ये लोग सब रेडी कर रहे हैं। तो उसके मैं पलट के आपको दिखाऊंगी ऑपरेशन थिएटर। ये देखिए, ये इस तरीके से ये है। और इसके बाद में ये लेडीज़ वार्ड है, तो ये सेकंड फ्लोर पे लेडीज़ वार्ड है, तो इसमें बुखार, सर्दी, खांसी और बाकी जो भी है चीज़ें, XYZ होता है, वीकनेस या और भी कुछ भी प्रॉब्लम है, खांसी बुखार और भी कुछ भी होता है तो यहीं पे आते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, शुगर ज़्यादा हो जाता है और भी XYZ जो भी प्रॉब्लम है, तो वो लेडीज़ को यहीं पे रखते हैं। ये अभी 4-5 बजे का टाइम है जो सब मिलने को आते हैं। तो देखिए 27 नंबर बेड था हमारा, ये इनका थोड़ा सा मैंने पानी का देखिए अभी ये लगाया है, पहले नहीं था। उसके बाद में ये सिस्टर लोग का रूम है जिसमें लोग गर्म वगैरह कुछ भी खाते रहते, चेंज करते, ये बाथरूम है। और यहाँ ये गैलरी है जिसमें सांता क्रूज हाईवे ईस्ट का दिखता है, बड़ा वाला जो विले पार्ले और बांद्रा को टच होता है। ये गद्दे वगैरह ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो ये सब इन्होंने तैयारी करके रखते हैं इंडिशन की, इस तरीके से जो भी पेशेंट है। तो हम अभी इधर इसके लिए आए थे कि उनको जो ग्लूकोज की सुई थी वो निकालनी थी, इसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो देखिए इस तरीके से, तो एडमिट इस तरीके से किया जाता है। और हुआ था तकलीफ तो 4 दिन हमारे इसमें गए, तो पहले ही मैं ऑलरेडी बीमार हूँ और फिर हम लोग सारी फैमिली फिर यहाँ पे भाग दौड़े, 27 नंबर बेड था हमारा। तो इस तरीके से तकलीफ होती है घर वालों को अगर एक भी बीमार है। तो हम तो 2-4 जन हैं, तो थोड़ा सिस्टर अचानक में बीमार पड़ गई क्योंकि उनको फूड पॉइजन हो गया। तो और मेरी तो तकलीफ है ही, मैं तो रोज़ दवाई दिन में 2 से 3। बस बहुत सारी आप लोग बहुत दुआएं करना कि मैं भी अच्छी रहूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।